आज हम अग्निशामक यंत्र के बारे में जानेंगे। यह उपकरण आग बुझाने के काम आती है। हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का लोहे का सिलेंडर होता है जो कि बहुत मजबूत है। ऊपर में घुंडी लगी हुई है और एक सील है। इस सील को निकाल करके इस घुंडी को हम किसी मजबूत सतह से टकराते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो कि पाइप के थ्रू बाहर निकलता है। अब इसके अंदर क्या है देखते हैं। एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो घुंडी है इसका अगला सिरा क्या है, नोकदार है, ठीक है ना, नुकीला है। अब जब इस घुंडी को हम ठोस सतह से टकराते हैं तो ये नोक जो है इस सिलेंडर में क्या करता है, छेद कर देता है, ठीक है, और छेद होने पर इसके अंदर भरा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आता है और बाहर निकलने के बाद ये इस प्रकार से रहता है ना, ये छेद हुआ, उसके बाद से सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद इन छेदों के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल इस सिलेंडर में आता है। इसके अंदर में दिख रहा है ये सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब होता क्या है, जब एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलता है तो बहुत ही तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना, जो कि इस पाइप के माध्यम से हम आग लगने वाली जगह पर डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया होती है ना। तो ये लग गया सिलेंडर, हमने देखा एक बड़ी सिलेंडर होती है, सिलेंडर के अंदर में सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना। इसके अंदर में एक छोटी सिलेंडर है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। जब इस घुंडी को हम किसी ठोस सतह से टकराते हैं तो अंदर के सिलेंडर में क्या होती है, छेद हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड निकल करके सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलती है और तेजी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है जिसे कि हम आग लगने वाली जगह पर डालकर आसानी से आग को बुझा सकते हैं।